ये हो रहा है ऐसे ना, जब सर्दी स्टॉप कर करने के लिए भी है लोगी गुड़िया के चक्कर में पहन नहीं पाती। Welcome back to Rupesh from Vlogs. How are you all doing? We're good and fine. Please comment below. How are you all? I'm also good all always. So guys, I was thinking that let's shoot a video. So that's all. I'll see you in few minutes, bro. Everyone, भाई अब जाके थोड़ी तबीयत आज की पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे ना कब ये क्या कर रही है कुकु? तनु उसका पूरे बिस्किट बिस्किट चींटियां हो जाएंगी लाल वाली। तू पूरा दिन बस ऐसे ही करना ठीक है? एनी टाइम तुम ऐसे ही करती रहती हो। कभी शांति से बैठते हो ना कुकु कहेगी गंदी। भाई कुकु तो ऐसे चलता रहता है कुकु को हेलो एवरीवन भाई कैसे हो भाई आप भी अच्छे ही होगे। और कुकु की भाई शरारत ऐसी चलती रहती है। हम जाकर भाई खाने वाने की तैयारी कर रही हूँ। आज बनाई है मैंने इनके लिए मीठी सेमिया और तनुष्का की फरमाइश भी बनाया मैंने आलू के पराठे। रात तो कह रहा था भाई रात को तो कैंसिल हो गए थे। फिर तनुष्का ने बोला मामा मुझे आलू के पराठे खाने हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है आलू के पराठे बनाती हूँ। आलू के पराठे और भी पति देव के लिए बनाए सेमिया। उनका फरमाइश थी मुझे सेमिया खानी है तो मैंने कहा चलो ठीक है। हलवा तो वो खाते नहीं, बेटे को पसंद है हलवा, बेटे को खीर पसंद नहीं है, तनुष्का को पसंद है खीर। मतलब इस फैमिली में ना जितनी मेम्बर है ना सबकी फरमाइशें अलग अलग है ठीक है। में से भैया बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है मेरे तो आपने आपने खाई नहीं ना आज पहली बार। तुम भाई इसका तो फर्स्ट टाइम होगा। मैं बनाती नहीं बहुत कम बनाती हूँ। जो ये मेरे हस्बैंड है इनके चक्कर में मुझे बनाना पड़ा। मतलब मेरे को भी नहीं पता मतलब हाँ बनाई है मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाई है। तो देखो तनुष्का का रिएक्शन और इन सब का देखते हैं भाई कैसा बना कैसी बनी फिर आपको दिखाऊंगी। ये बताएंगे मुझे कि कैसी बनी है। फर्स्ट डे है मेरा तो शेम ही होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई है। चलो आ जाओ दिखा दो। चलो भाई आ जाओ सारे दिखाएंगे गई थी कैसी लगी आपको वो टूटी फूटी भी गई लाइक उन्होंने हाउस भी कर रहा है तो नॉर्मल हो गई लगे है। और कुरा जा आपको हरियाणा में सिखाया जाए भाई। देखो इधर तो मेरी शेम सिवैया बन गई है देख लो। इनमें मैंने काजू डाले थे केसर डाला था तो ऐसी बनी है। अभी इसमें बादाम जो आप डालते हो ठीक है तो वो नहीं डालते? नहीं बादाम नहीं डाले मैंने खाली ओनली काजू डाले थे। और इधर स्पेशल तनुष्का के लिए बना रही हूँ। स्पेशल क्या मतलब सबके लिए पराठे बन रहे हैं। इसमें भी धनिया डाल दिया। अभी दिखाती हूँ आपको ना क्या क्या डालती हूँ मैं ना कि भाई सबका अपना अपना तरीका अलग होता है लेकिन मैं जो डालती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। भाई इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाल ली है। हींग अच्छी होती है वैसे हींग डालनी चाहिए। मैं तो डालती हूँ मेरे पास मैंने वैसे वो नहीं थी हरी मिर्च नहीं थी अब लाल डालूंगी वैसे हरी मिर्च अच्छी लगती है। अब वो तो थी नहीं भाई तो काम इनसे चलाना पड़ेगा। और नमक और इसमें स्वाद अनुसार भाई नमक डाल लो अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। कस्तूरी अच्छी लगती है टेस्ट में अच्छा आता है कस्तूरी मेथी का ना। वैसे मैंने इसमें प्याज डाल लिए पहले से ही। अभी ये तो अब मैं बाद में डाल रही हूँ। पहले ही मैंने आपको इसमें प्याज डाल रखी थी कट करके और लहसुन कूट के डाल रखा था। और ये मसाले मैंने अब डाले जो भी आपको दिखाए हैं। तो भाई इसको मिक्स कर लेती हूँ।
आज नीतू भी नहीं आए थे, देख लो कितने शांत हो रहे हैं। मैं इनको भी साफ करूंगी, पहले इन लोगों को खाना दे देती हूँ। काफी दिन के बाद मैंने ये चीज समझ में नहीं आया कि कैसा लगाते हैं पर मुझे जैसा लगा मैंने लगा लिया क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने डाला है तो मेरे को ना ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि कैसा लगा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसा लगा है। तनुष्का को डालती हूँ, तनुष्का बताइए, तनुष्का के रिएक्शन देख रहा आप। वैसे देखने में तो भाई अच्छी आ रही है और खुशबू अच्छी लग रही है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तनुष्का लो देखो बेटे, नाइस गाइस, वेरी गुड, मम्मी अच्छी है। हाँ सही बता रहा हूँ। अंदर मैंने आलू डाल लिया और मैं क्या थोड़े से बड़े पराठे बनाती हूँ, मैं छोटे नहीं बनाती, थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये जो बड़ा तवा है स्पेशली पराठों के लिए ही है। भाई बच्चों का मन था तो ठीक है बना दिए, नहीं वैसे मैं कमी बनाती हूँ आलू आलू मतलब पराठे पराठे में कमी खाते हैं। मेरे को मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है सर्दियों में तो फिर भी बना लेते हैं लेकिन गर्मी में तो नहीं बनाती हूँ मैं। ये घी खाते नहीं है और फिर अभी फिर मैं घी लगा ले रही एक आधी, फिर भी ज्यादा नहीं तो एक आधी तो खा ही लेंगे, तो वही ना फिर घी लगा दी तो फिर ये नहीं खाते। घी ना इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, घी भी छिल जाए ना तो भी इनको घी से नफरत होती है। भाई मुझे भी खाना हो तो मैं आगे पीछे ही खाती हूँ, उनके सामने कभी भी नहीं खाती क्योंकि फिर अकेले का मूड खराब होता है, वो कहता है मुझे स्मेल आ रही है। तो भाई इस चक्कर में मैंने तो वैसे खाती तो हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ मैं भी ना, इनके चक्कर में छोड़ ही रखा है। वैसे सुधरा ये मोटापा नहीं गिर देता फिलहाल तो। दबा के भरती हूँ तभी अच्छा लगता है, उसकी फीलिंग ना अच्छी आती है। मूर्थल के पराठे होते हैं ना उसकी जैसे ही बनाती हूँ, मूर्थल के पराठे बड़े बड़े होते हैं ना, थोड़े हैवी होते हैं, उसी तरीके से मैं भी बनाती हूँ। मेरे लिए चलो हो सकता है, बाकी मैं जो साइज का है वो बता रही हूँ आपको, क्या मैं सोच रही ये नहीं कह रही मैं क्या मूर्थल जैसे ही बना रही, मैं कह रही हूँ साइज का बोला है बस मैंने कि साइज सेम वैसा ही होता है। भाई सब्जी तो मैंने बनाई नहीं थी, अब क्या है मैं तो चाय बनाऊंगी थोड़ी सी और अचार है। आपने दही नहीं मंगाई थी दूध वाले से? हाँ दही मंगाई थी आपने,
चलो ये तो सही हुआ भाई, दही मंगवा लिया इन्होंने, ये तो बहुत अच्छा परफेक्ट काम किया है इन्होंने, आज तो भी कर गया है ही। रेडी हो गया पराठा, एक तो बन गया, दूसरे में फीलिंग कर रही हूँ भाई। भैया अली सभी तक भी सो रहा है क्योंकि बच्चे सुबह 7 बजे के निकलते हैं और उसके बीच में बेचारे भी थक जाते हैं, पूरा दिन इनका भी ऐसे ही जाता है, 2:30 बजे की छुट्टी होती है तो वही 2:45 पे 2:40 पे घर आके पहुंचते हैं ये, और तो उसके बाद फिर ट्यूशन चले जाते हैं, 3 बजे इनका टाइमिंग है, इनको वैसे लगा लो कपड़े चेंज करते हैं बेचारे, फिर उनको नियर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, 3 बज जाते हैं, फटाफट ट्यूशन के लिए भाग लेते हैं, ये होता है कई बार तो बच्चे कुछ खा भी नहीं पाते ऐसे निकल लेते हैं, आप फिर ट्यूशन से आते हैं 4:30 बजे के आसपास आते हैं तो फिर उसके बाद पट के बैग बेचारे सो जाते हैं, थक जाते हैं, इनका भी पूरा टाइम ऐसे ही जाता है, पूरा दिन मतलब भी लगा लो स्कूल से घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, तो पूरा टाइम ऐसे ही जाता है बच्चों का, क्या करें भाई पढ़ाई भी जरूरी है। इनके बेटे थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो भाई इनके लिए अच्छी, एक पढ़ाई ऐसी चीज होती है जो किसी को कहते हैं ना, हम हर चीज इंसान शेयर कर सकता है लेकिन पढ़ाई को कभी भी शेयर नहीं कर सकता, और पढ़ाई अच्छी होती है हमेशा, मतलब इनके आने वाले फ्यूचर के लिए भाई अच्छी चीज़ है पढ़ाई, वो बेकार नहीं है, अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे तो भाई अपने हाथ पैरों पर खड़े हो जाएंगे। नहीं भाई पेरेंट्स का तो एक अपना बच्चों को लेके यही होता है भाई मेरे बच्चे अच्छे से, मेरे कुछ बहुत अच्छी आ रही है, एक कस्तूरी मेरे से डालते हैं ना कुछ बहुत अच्छी आती है, कई बार ऐसा होता है ना घर में कोई सब्जी नहीं है मतलब फटाफट से ही आलू मेथी मतलब अच्छी लगती है, ऐसा कहीं भी फील नहीं होता, वो वैसे ही होता है कि भाई वो एकदम से हरी होती है और ये सूखी होती है तो थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन खाने में तो सेम वही टेस्ट आता है। एलिस को जगा लेते हैं ना, तनुष्का बेटे एलिस को जगा लो, खा लो तुम, फिर भूख लग रही होगी ना आपको, नंबर वन पराठे खा दो। अरे 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 देखो गाइस इसने, अरे अरे भाई क्या है ये, क्या था ये, क्या था भाई, अरे पराठे नहीं होते, अरे लाभ खा लो, इसे आकर के साथ देखते देखते आप भी इंजॉय कर लो, पराठा दिया पराठा निकाल दिया मुझे, वो कृष्णा जी नहीं होते हैं गाइस, वो कृष्णा जी लड्डू गोपाल, वो बचपन में ऐसे ही करते थे मतलब माखन खाते थे और ये दही खाता है, एकदम वही फेस बना रखा है, ये देखो क्या क्या है, ये क्या है भाई, सर जी भी आ गए हैं, हां जी क्या है, मम्मा 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 गए थे, मम्मा ने इसको ऐसे देख लिया तो देख लेना क्या होगा, क्या है भाई भैया, आज मैं ना बैंक को बोल रही थी, मैंने कहा चलो भाई करवा चौथ आने वाली है, मैंने मार्केट चलते हैं तो भाई मुझे जो सही है ना, मैंने पहले ही सही ना उसका फोटो क्लिक करके रख रखा है, और आज तो भैया गए नहीं थे, बोले कल चलेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है तैयारी, भाई ऐसा होता है ना सब एक टाइम कुछ टाइम पे जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आता, अभी थोड़ा टाइम है तो आराम से जो भी है, कुछ चीज़ ऐसी होती है ना भाई धीरे धीरे ध्यान आ जाती है अपने ले आते हैं, उस टाइम पर ना जल्दबाजी में फिर ऐसा ही है, फिर वो है ना भीड़ ज़्यादा होती है, तो अभी मैंने थोड़ा सा टाइम भी है तो अपने जाके भी आते हैं, तो वही आज मैं बोल रही थी इनको चलो, तो आज तो ये गए नहीं, बोले कल चलेंगे, तो कई बार ऐसा होता ना फिर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, वैसे भी फिर त्यौहार आने वाले हैं तो वही ज़्यादा भीड़ भड़की में सही नहीं होता, अभी क्या है इजीली आराम से कोई सामान चाहिए होता है तो आराम से बंदा ठीक है वो कर सकता है, लेकिन भीड़ उड़ में ना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है,
भीड़ मेरा दम सब उठता है भाई। तो भाई मैं कल जाऊंगी, आज तो मैं नहीं गई, कल जाऊंगी। भाई सब ने खा लिया खाना, लास्ट में मैं ही रह गई थी। कुकू ने ना, कुकू ने क्या कर दिया, कुकू ने बच्चे खाना खा थे, कुकू ने सारे में पानी वगैरह फैला दिया, दही फैला दी। तो वो बड़ी वाली बेटी ने थोड़ा सा उसको फिर डांटा, हम तो रोने लग गई। अब जाके अंदर आ रही है, लास्ट मेरी बारी आती है, सबसे लास्ट में मैं ही खाती हूँ। सब ने खा लिया और भाई सवैया मैंने नहीं खाई। तुमने खाई थी, कैसी लगी सवैया? अच्छी थी भाई, पसंद आई अगले को, बड़ी नहीं पसंद आनी चाहिए, इनके लिए तो बनाई थी। हमारा तो खैर क्या है, हम तो भाई अपने मन को मन करता होना तभी सोचते कि चल छोड़ना, अकेले के लिए क्या बनाना। भाई कुकू भाई चू चू कर रही है भाई, इनके लिए स्पेशल होते हैं हम तो भैया, इनके लिए जो ये कह देते हैं, इनका हम सगरा को पे बना के देते हैं। भाई खा लो आप भी, भाई पराठे अच्छे बने। एक बार क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले हम मूर्थल गए थे, तो मूर्थल में ना ऐसे मतलब पराठों का जो ये बोल रहे थे, मतलब पराठे बहुत अच्छे थे, वहाँ से भी ज़्यादा अच्छे थे। उसमें क्या है ना, वो बस नाम के लिए बोलते हैं कि वो नूनी घी है, और नूनी घी वो नहीं होता, बस ऐसा वो ऐसे देखने में लगता है नूनी घी तो ऐसा होता है, बंदा कितना भी खाता है तो ही उस तरह ना हीक आता नहीं है, हीक नहीं आती। और लेकिन वो ये ना, वो छोटी सी इतनी सी कटोरी होती है, उसमें देखते हैं वो भी खाना भारी हो जाता है, हीक चढ़ने लग जाती है। तो भाई हम गए थे मूर्थल, तो मैं वही इनसे यही पूछ रही थी, मैंने कहा तुम्हें मूर्थल के पराठे अच्छे लगे थे, ये अच्छे लगे थे, ये बोल रहे थे यही वाले अच्छे हैं, आप वाले अच्छे हैं। मैं चलो अच्छी बात है भाई, जब ये होता है ना भाई कोई चीज़ ये कह देते हैं ना अच्छी बनी है, तो हाँ एक ही है कि भाई थोड़ा चेहरे पर ना एक लहर दौड़ जाती है, चलो पसंद आ गया भाई। तो भाई मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। कपड़े भी गया, आई होमवर्क सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स Town Traders and Craft Question Answers मैम ने सेंड करें गाइस, वो कंप्लीट करना है होमवर्क में। Various Mughal Empire Then second point Raw cotton. सारे बर्तन करके सोऊंगी रात में, मैं बताती हूँ, मैं कभी भी बर्तन ऐसे झूठे नहीं छोड़ती भाई, साफ करूंगी दिन को। मिलती हूँ भाई थोड़ी देर आराम से। ये बिस्किट लेके आए थे बेटा वो लिए, तो इन्होंने देख लो ऐसे इनका इतना भी आराम नहीं है कि इनको कम से कम उठा के तो रख दें, मैं उठा के रखूंगी जब इनको, इनका काम ला के पटकना, बस ऐसा लगता है जैसे भाई पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया हो, थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करते भाई, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं करते। ये तो एकदम ना, मत इनके बारे में क्या ही बताऊं मैं, ये कर दे बिना थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करते, कुछ भी नहीं करते भाई। ये अब पूरी क्लीन कर दी, सुबह में उठते एकदम फ्रेश फ्रेश दिखती है, अच्छा लगता है, साफ सुथरी किचन में काम करने का ना मन करता है। और फिर फैली फैली रहती तो गंदा लगता है, नहीं तो ऊपर नहीं छोड़ती हूँ, हरित कर मैं ना शाम को बर्तन खुद ही साफ करके छोड़ती हूँ, ज़्यादा हो चाहे कम हो मुझे पसंद नहीं है बर्तन झूठे, मैं छोड़ती नहीं हूँ कभी भी। तो वही है कि साफ सुथरा देख लो, पूरी क्लीन कर दी। Watching our video, if you like the video, press the like button, subscribe the channel, share the video with your family members and friends. Bye bye, see you next video.